नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ जियोपॉलिटिक्स की, और जो संकेत हमें मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस के दौरे से, उसके बारे में बात करेंगे आपके जाने पहचाने विशेषज्ञ अंकित शाह जी से। आप नमस्ते जी। नमस्ते संजय जी। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? लोग तो देख रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए, उनका स्वागत इत्यादि हुआ, फिर डिफेंस डील्स हुई, लेकिन मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ। जो यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन है, उससे तो ऐसा लगता है कि उनको डर लग रहा है कि कहीं फ्रांस यूरोपियन यूनियन से बाहर तो नहीं जा रहा। तो बहुत सारे, पहले तो मैं बैकग्राउंड दे दूं दर्शकों को कि ये हुआ है, ये जो विजिट है फ्रांस की, ये हुई तुरंत यूएस विजिट के बाद। और यूएस विजिट में हमने, जैसे जो लास्ट हमने जयपुर डायलॉग्स पे बात भी की थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना वो जाने नहीं वाले थे यूएस विजिट में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, तो फ्रांस विजिट तुरंत बाद होना। और इतना ही नहीं, जो हमने वो टॉक पे बताया था कि बहुत जल्द अब कंपटीशन शुरू होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सारी कंट्रीज के बीच, तो उसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, ये सब, स्वीडन, ये सब इन्वॉल्व है। तो अब जो है पूरा कंपटीशन बन चुका है इंडिया का मार्केट कि कौन कौन से लेवल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, कौन जॉइंट प्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगा, और बहुत ही कंपटीशन अब ये स्टार्ट हो गया है। तो उसी के चलते अभी जो न्यूज आ रहा है कि इंडिया और फ्रांस जो है सबमरीन्स प्रोड्यूस करेंगे मुंबई और कोलकाता में, और वॉरशिप्स वहां से एक्सपोर्ट होगी, इसका न्यूज आ रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो इंजन की बात चल रही थी, जो जनरल इलेक्ट्रिक यूएस के साथ, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एक नेगोशिएशन चला था कि 80% होना है, 100% होना है, क्या होना है, यहाँ पे बात हो रही है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की साफरान के साथ, फ्रांस के। तो को डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे मेक इन इंडिया में, ठीक। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि अब ये कंपटीशन चलने वाला है इंडिया मार्केट कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जो हमने बताया कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि यूएस का ग्लोबल पोलिसिंग का रोल जो श्रिंक होने वाला है, तो उसके चलते सऊदी अरेबिया से लेके लाओस, कंबोडिया तक का जो पूरा केपेक्स का खर्चा आएगा डिफेंस रिलेटेड, वो सारी कंट्रीज बांट के शेयर करेगी। लेकिन अगर उसका जो प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होना है, वो तो इंडिया में ही करेंगे वेस्ट में से, ना उसके लिए सऊदी अरेबिया पसंद किया जाएगा, ना यूएई पसंद किया जाएगा, ना ईरान, ना कोई फिलीपींस या थाईलैंड, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इंडिया में ही होना है, जो जॉइंट प्रोडक्शन और वहां से एक्सपोर्ट्स होगा। तो ये तो हुई एक बात, पर सबसे अजीब सी बात यह है कि यूएस और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है, जिसमें हम सब जानते हैं कि यूके और फ्रांस को तो आर्च एनिमी बोला जाता है, पर ना, पर वो तो मतलब सेंचुरीज पुरानी दुश्मनी जो कभी नहीं जा सकती, ठीक है, वो तो कभी जा नहीं सकती। लेकिन फ्रांस नाटो में अटका हुआ, बीच में सैंडविच हुए ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के बीच, और उसी के चलते इंडिया के साथ एक स्पेशल पार्टनरशिप, जहां पे जो इंडिया बोलता है उस प्रकार के डिसीजंस लेने को रेडी है। और आज हम जब देखते हैं कि ब्रिक्स, जहाँ पे ग्लोबल साउथ का एक लीडरशिप इंडिया लेके ब्रिक्स में आगे बढ़ रहा है, वहां पे मैक्रोन जो है उसको इनविटेशन चाहिए, और वो प्रेस कर रहा है इंडिया को कि कैसे भी इनविटेशन अरेंज करके दें, क्योंकि वो बनना चाह रहे हैं फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू अटेंड अ ब्रिक्स समिट। और दर्शकों को बताते चले कि ये अगस्त में जो ये ब्रिक्स की समिट होनी है, इसमें साउथ अफ्रीका ने सारे अफ्रीकन लीडर्स को इनविटेशन दिया है। तो एक तरीके से एक पूरा साउथ, पूरा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का यूनियन का रिप्रेजेंटेशन वहां मौजूद होगा, इंडिविजुअल कंट्रीज के लीडर्स, अप्रोक्सीमेट 49 लीडर्स को इनविटेशन, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका ने दिया है। अब इसका एक और बैकग्राउंड जो हम सब जानते हैं, जो बहुत ही वायरल हुआ कि जयशंकर जी ने बताया देयर इज नो सच आइडिया ऑफ अ ब्रिक्स करेंसी,
तो उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी किसी वेन्यू पे कि क्या इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं क्या ब्रिक्स करेंसी वाले आइडिया पे। उन्होंने बोला नो, जो ब्रिक्स में डिस्कशन होगा वो देखा जाएगा, अभी तो करेंसी वाला मामला नेशनल करेंसीज वाला ही लगता है मुझे। ये इनका आंसर था, देयर इज नो आइडिया ऑफ ब्रिक्स करेंसी एज सच। उसके बाद ब्रिक्स के जो CFO है उनका जवाब आया, उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने बताया कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, अभी शॉर्ट टर्म तो नहीं है। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो ब्रिक्स के CFO ने बताया वो ये है कि चाइनीज युआन कैन नॉट बिकम अ रिजर्व करेंसी, इट इज वेरी फार फ्रॉम दैट, ये उन्होंने बताया उसके साथ। तो दर्शकों को जानना ये जरूरी है कि इंडिया ऐसी कंट्री है कि जिसके करेंसी में रिजर्व करेंसी का फीचर है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और कमोडिटीज तीनों मॉडरेट लेवल पे है, उस हाई लेवल पे नहीं है। चाइना जो है उसकी करेंसी ऐसी है जिसमें रिजर्व करेंसी का कोई फीचर नहीं है, लेकिन इट कैन बिकम अ ट्रेडिंग करेंसी क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है एट दिस पॉइंट। रशिया के पास ऐसी करेंसी है जिसके पास ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ना ही रिजर्व करेंसी के फीचर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कमोडिटीज और नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से वो रिचेस्ट है, ठीक है। तो तीनों जो है कंट्रीज, रशिया, इंडिया, चाइना, तीन में से एक भी आज उस पोजिशन में नहीं है कि यूनिपोलर सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला वर्ल्ड दे पाए। तो बहुत क्लियर दिखाई देता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज करके एक मल्टीपोलर ऑर्डर में लेके जाना है। अब ब्रिक्स का जो मामला है करेंसी का, वो कोई कंट्री क्यों ब्रिक्स से पहले डिक्लेयर करके वो ब्लेम खुद पे लेगा सबसे पहला तो, और वैसे भी जयशंकर जी तो डिप्लोमैट है, तो डिप्लोमैट क्यों बताएंगे ब्रिक्स से, वाई वुड इंडिया गो अहेड ऑफ ब्रिक्स एंड डिक्लेयर कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा चेंज आता है तो ये समझना है कि माइनर से डिक्लेरेशन पे पूरा एक शॉक वेव आ जाएगा इंडस्ट्री सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड, अगर ये डिक्लेरेशन होता है तो, कोई इंडिविजुअल कंट्री बिल्कुल नहीं करेगी ये। तीसरी बात हमें ये समझनी है कि अगर पेग करेंसी पे वर्क चल रहा है, ठीक है, अब अगस्त में डिक्लेयर होता है, क्या होता है, कितना होता है, दैट विल बी ऑन द ब्रिक्स नेशंस। लेकिन हमें ये समझना है कि सारी नई एप्लीकेशन ब्रिक्स में आई ही इसीलिए है क्योंकि पेग करेंसी बन रही है, क्योंकि वर्ल्ड को दूसरी फियाट करेंसी की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और गल्फ को जो समझ में आया कि हमारा 50% क्रूड ऑयल वेल्थ जो है, आज हमने रेडिकलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट में बर्बाद कर दिया, तो उनको ऐसी करेंसी में सेविंग्स इकट्ठा करनी है विच इज बैक्ड बाय रियल एसेट और रियल कमोडिटी, इसीलिए वो एप्लीकेशन दिए हैं, वरना ब्रिक्स तो 10-15-20 साल से ऐसे ही पड़ा था, कोई पूछ नहीं रहा था, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये अगस्त समिट में अगर गल्फ की कोई कंट्रीज को मेंबरशिप मिलती है ब्रिक्स की, तो 100% तय है कि एक पैक्ड करेंसी आ रही है, ठीक। अब बचता है बात, अभी किसने किसने अप्लाई कर रखा है, सऊदी अरेबिया, UAE, सारे हैं, अबाउट 19 नेशंस की एस्टिमेटेड एप्लीकेशंस है, अबाउट 19, तो उसमें से कितने की अप्रूव होती है, दैट इज समथिंग टू बी सीन। तो दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1971 से पहले कोई ब्लैक बुर्का नहीं था, फियाट डॉलर के जन्म से पहले कोई ब्लैक बुर्का नहीं था, फियाट डॉलर और पेट्रो डॉलर के जन्म से पहले इंडिया के किसी भी सिटीज की हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज कोई एक कम्युनिटी ने कभी परचेज नहीं की। तो मैं जो ये हिंट दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट का रेडिकलाइजेशन ही फियाट डॉलर और पेट्रो डॉलर के साथ हुआ है। तो डॉलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन साथ चला, उसी के चलते डी रेडिकलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन साथ चल रहे हैं, यू शुडंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो अब जब उनको डी रेडिकलाइज करना है, जो हम बताते हैं कि मंदिर, योग और आयुर्वेद, वही रास्ता उन्होंने चुना है डी रेडिकलाइज करने के लिए, और उसी के चलते अभी जो सऊदी अरेबिया से जो आए थे क्लरिक, जिनकी डोवाल जी के साथ दिल्ली में पूरा जो एक इवेंट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद फिर वो अक्षरधाम गए हैं, तो मैंने वो जो प्रेडिक्शन डाला है ट्विटर पे कि कुछ ही सालों में आप देखोगे कि
इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरेबिया में प्राण प्रतिष्ठा किए करते हुए पाए जाएंगे। तो उसी में एक हम्बल बिगनिंग आप मान सकते हो उस बात की। अब हमें ये समझना है ब्रिक्स में कि जब आप कमोडिटीज के साथ पैग करने वाले हैं करेंसी और उस पर नेगोशिएशन चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि चाइना ने बोल दिया चलो मेरे पास इतना लिथियम है या इतना गोल्ड है और ब्रिक्स वालों ने मान लिया, ऐसे तो नहीं होता। तो एक पूरा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनेगा जहां पे एक अलग इंस्टीट्यूशन बॉडी लगेगी जो सर्टिफाई करेगी कि हाँ सच में इतने रिजर्व्स है। ठीक, तो ये तो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये समिट में करेंसी आ जाएगी तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि पहले तो वो पैगिंग फॉर्मूला नेगोशिएट होंगे, ठीक, फिर उसमें से वो कितना डिक्लेयर करते हैं ये समिट में ये हमें देखना है, उसके बाद पायलट ट्रांजेक्शन बिगिन होंगे। तो प्राइमरी हिकअप्स तो आने ही है और ये हिकअप्स पूरे 1-1.5 ईयर्स चलेंगे सेटल होने से पहले करेंसी। ठीक है, अब जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डॉलर ट्रेड टू ब्रिक्स करेंसी ट्रेड, उसके जो स्टेप्स है उसमें सबसे पहला है नेशनल करेंसीज ट्रेड, जो जयशंकर जी ने बताया कि नेशनल करेंसीज तो लॉन्ग टर्म चलेगा। मतलब है कि अगर भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड हो रहा है, ठीक, तो इंडिविजुअल बायलैटरल करेंसी में हो रहा है, इसको बोलते हैं नेशनल करेंसीज ट्रेड। फिर जो सेकेंड ट्रांजिशन आता है उसको बोलते हैं मिक्स ट्रेड। मिक्स ट्रेड माने इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज किया, पेमेंट की चाइनीज युआन में, इसको बोलते हैं मिक्स ट्रेड। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डॉलर ट्रेड वो धीरे धीरे नेशनल करेंसी से शिफ्ट होके मिक्स ट्रेड में जा रहा है, और मिक्स ट्रेड के बाद सेटल जब होगा पायलट ट्रांजेक्शन के बाद वो ब्रिक्स करेंसी में जाएगा। अब रही बात ब्रिक्स करेंसी सक्सेसफुल होती नहीं होती, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो यूएस इकोनॉमी में चेंजेस आने हैं, जो सेटबैक लगना है, जो क्राइसिस आना है, वो तो होना ही है। डी डॉलराइजेशन इज कंफर्म्ड, क्योंकि जब ट्रेड ट्रांजिशन हो रहा है टू नेशनल करेंसीज और मिक्स ट्रेड, तो वो डी डॉलराइजेशन तो हो ही गया, चाहे ब्रिक्स करेंसी सक्सेसफुल हो या ना हो। ठीक, सो नोबडी इज गोइंग टू गो बैक टू द डॉलर, राइट। तो दिस इज अबाउट द ब्रिक्स। तो फ्रांस बनना चाह रहा था फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री, और जो रशिया का प्रेशर है अभी कि आप नहीं बुला सकते, क्योंकि ब्रिक्स की जो आज नेशंस है वो कोलोनाइजेशन के आप बोलो कि एक तरह से हिस्ट्री जो याद है सबको, उसमें इतना गुस्सा है अफ्रीकन नेशंस में भी कि कोई भी नहीं चाहता कि वेस्ट का कोई डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के दौरान कोई रोल रहे जब हम ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, इसी के चलते मुझे बहुत ही डाउटफुल लगता है कि फ्रांस को मिलेगा इनविटेशन। अब जिस प्रकार का फ्रांस विजिट के स्टेटमेंट्स आए हैं, पहला तो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, और उन्होंने स्पीच में बहुत ही क्लियर पहली बार डायस्पोरा को डायरेक्ट करते हुए क्लियर बताया कि फिर कंप्लेन मत करना, मैं अभी बता रहा हूं कि इन्वेस्ट करो इंडिया में, और आप जो वर्क कर रहे हैं वो एरियाज भी एक्सप्लोर करो इंडिया में। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं। ठीक है, दर्शक जान खुल के क्यों कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का ये पूरा जो चल रहा है उसमें जो वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उसमें मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस और कैपिटल ट्रिमिंग होने वाली है वो सारे वेस्टर्न एसेट्स की, जिसमें आज 180 नेशंस प्लस का सेविंग्स पार्क हुआ है वो सारा विड्रॉ होने वाला है। तो बहुत तय बात है कि क्या आ रहा है, और ये कोई सिंबोलिज्म नहीं है कि अगर डायस्पोरा को व्हाइट हाउस में 5000 प्लस डायस्पोरा को व्हाइट हाउस में बुलाया गया, क्योंकि जो मुझे समझ आता है ये आखिरी था। ठीक, तो जो मैं बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने एनआरआईस को बताया कि आप इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, अभी मौका है, और अपने वर्क एरियाज भी आप तलाश करें कि वो सेक्टर्स कौन से हैं इंडिया में। तो बहुत ही क्लियर, अब इससे क्लियर तो और कुछ नहीं हो सकता कि आगे क्या आने वाला है। ठीक, और ये जो ब्रिक्स करेंसी का पूरा जो फॉर्मेट है, जो ऑकस समिट होगा, और बहुत ही सिंबोलिज्म आप देख सकते हैं कि चंद्रयान जो है वो उसी डेट पे वहां पे लैंड करेगा मून पे। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा सिंबलिज्म है इस बात का भी कि किस तरह से इंडिया भी अब लॉन्च हो चुका है पूरे एक वैश्विक फलक पे, जो एक रोल मिलने वाला है ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को। तो ये जो हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं, दूसरा जो वहां से फ्रांस की विजिट से डिटेल्स आ रहा है, उसमें बार बार उस स्टेटमेंट में इंडो स्पेसिफिक पे स्ट्रेस किया जा रहा है, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, आई थिंक 4 से 5 बार ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रांस के साथ जो कोऑपरेशन देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में, और बहुत शॉकिंग सी बात है कि क्वाड का बिल्कुल जिक्र नहीं है, इंडो पैसिफिक का जिक्र है, क्वाड का बिल्कुल जिक्र नहीं है। क्वाड मेंबर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है और यूएई का जिक्र है उस स्टेटमेंट में। यूएई तो बहुत ही नेचुरल है मेंशन होना, क्योंकि जो हम जानते हैं कि ट्राइलेटरल कोऑपरेशन में हमने राफेल्स चूज किए और राफेल्स का ही ऑर्डर मिल रहा है, यूएई ने भी यूएस का ऑर्डर कैंसिल करके राफेल का ही ऑर्डर दिया है। तो मैंने जो वो प्रेडिक्शन डाला था कि 5 ही साल के आसपास आप देखोगे कि कैसे यूएई एयरफोर्स जो है वो 100% इंटरऑपरेबल हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो जो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो टीवी पे बोलते हैं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट्स नहीं है, वो जान ले कि क्या किस प्रकार का डिफेंस केपेक्स शेयरिंग का प्लान चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मिराज है और यूएई के पास भी मिराज है, और एक एक राफेल जो है वो खाली ना सिर्फ यूएई में लैंड होके आए हैं, यूएई एयरफोर्स ने उनका मिड एयर रिफ्यूलिंग भी किया है। तो बहुत क्लियर है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये हो सकता है कि यूएई का ऑर्डर राफेल वाला इंडिया में जॉइंटली प्रोड्यूस हो और टेक ट्रांसफर का भी कुछ मामला इसमें हो सकता है फ्रांस के साथ। तो तो इस प्रकार इसीलिए से ईयू जो है वो नाराज है फ्रांस से। हाँ, ईयू तो इट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट जियोपॉलिटिकल एंटिटी, उसको अब कोई पूछता नहीं है। और वैसे भी जो यूरोप की कंट्रीज है उसका जो ये यूक्रेन डीडॉलराइजेशन स्क्रिप्ट के चलते है, जो इकोनॉमिक डेसिमेशन हो चुका है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि अब ईयू का कोई इंपॉर्टेंट, और जो मैंने जो वो चैप्टर भी था मेरा बुक में द फ्यूचर ऑफ यूरोप, जिसमें मैंने बताया था कि क्रूजेड आने वाले हैं, तो वही हमने फ्रांस में जो देखा, स्ट्रीट क्लैश शुरू हो चुका है। और ना सिर्फ इतना, जो भारतीयों को करना पड़ा बालिका वधू, संजय जी आप और मैं आज बात कर सकते हैं जिंदा, इसीलिए है थैंक्स टू बालिका वधू। आधा हिंदुस्तान जिंदा है आज बिकॉज ऑफ बालिका वधू, ठीक है? तो आउट ऑफ बाय फेसिंग, जब वो हम फेस कर रहे थे इस्लामिक ऑनस्लॉट, तो उसका हमने ये डिवाइस बनाया था बालिका वधू वाला बचने के लिए। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर यूरोप में, जैसे हम देख रहे हैं कि गर्ल्स की मैरिज एज कम की जा रही है क्योंकि इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग्स उनको परेशान कर रहे हैं वहां पे, ठीक? तो ये वो भी बालिका वधू वाली डायरेक्शन में ही जा रहा है यूरोप। और बहुत ही अचंभा लगता है जब फ्रांस के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, 2020 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब वो बोल रहे थे ये तो बहुत नया लग रहा है। तब मैंने पोस्ट डाला था कि अब इस बंदे को नया लग रहा है, ये पिछले डिकेड्स में पूरे मिडिल ईस्ट में से ज्यूज और क्रिश्चियंस का जिस तरह से खात्मा हुआ, अगर इसको ये याद नहीं है, अगर इसको ये नहीं पता कि पोलैंड के किंग सोबिस्की ने कैसे इस्लामिक रेडिकल्स से पूरे यूरोप को बचाया, अगर इसको ये याद नहीं है, तो बिल्कुल इसको टेररिस्ट जी अटैक जी नया जी लग जी रहा है। बिल्कुल दी ओरिजिनल 9/11 ऑफ वियना, हाँ, तो इसको इस बंदे लोगों को को याद नया करा लग दूं रहा है, आप मैं। सोचे। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर 1683 हाँ हाँ जो बैटल ऑफ वियना हुई थी, और उसमें ऑटोमन एम्पायर के जो सेनाएं थी उनको हराया था, और उसमें पोलैंड के जो राज्य था उसने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। जी, उसी के चलते पोलैंड और हंगेरी आज हम देखते हैं, वो क्लियर बताते हैं हम एक भी मुस्लिम इमिग्रेंट इलीगल नहीं लेने वाले, ठीक? तो उनको तो याद है, लेकिन फ्रांस भूल गया कि कैसे किंग सोबिस की पोलैंड के पूरे यूरोप को बचाया उस वक्त, ठीक है? तो ये जो राहुल गांधी जैसे फ्रांस लीडर्स होते हैं, जो है वो चार्ल्स मर्कल को भी भूल गया, जिसने कि हाँ बैटल ऑफ टूअर्स में, या आपके जो
स्पेन से जो चढ़े थे मुसलमान, उनको हराया था बैटल ऑफ टूअर्स 732, और उसकी वजह से ये पश्चिम से नहीं घुस पाए थे यूरोप में। तो वो उस समय फ्रांस ने, जो गॉलिक फ्रांस था, उसने भी बचाया था यूरोप को। ये आजकल के फ्रेंच जो लोग हैं वो शायद भूल गए हैं। हाँ, तो ये सारे जो लेफ्ट लिबरल्स जो होते हैं, ये इनका काम ही ये है कि स्टेट का दरवाजा खोलना, रेडिकल्स को अंदर बुलाना, फिर रेडिकल्स इनके सर पे बैठते हैं, फिर लेफ्ट को हटा देते हैं, फिर लेफ्ट चला जाता है नेक्स्ट कंट्री में। ये पूरा एक साइकिल है इनका। जो ईरान में भी यही हुआ, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तो लेफ्ट और रेडिकल्स ने मिलके किया। जैसे ही रेडिकल्स पावर में आए, लेफ्ट को मारना शुरू कर दिया, फिर लेफ्ट निकलता है सेंट्रल एशिया के लिए। तो ये एक पूरा साइकिल है जो हम बंगाल और केरला में भी देखते हैं। जैसे ही लेफ्ट दरवाजा खोलता है, रेडिकल्स अंदर आते हैं, फिर रेडिकल्स टेक ओवर करते हैं, फिर लेफ्ट निकल जाता है कर्नाटका और बिहार नेक्स्ट स्टेट में, फिर नेक्स्ट स्टेट में जाके वापस दरवाजा खोलते हैं। ये वही साइकिल है। तो ये जो लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस तरह से और फिर स्टेटमेंट देते हैं कि इनको नया लग रहा है, जैसे यू नो पीपल डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ है, तो एक पूरा एक फेक सेक्युलरिज्म वाला, जो मुझे मुझे लगता है संजय जी के क्रूजेड्स आएगा पूरे यूरोप में, और यूके का एक पार्टीशन तो तय है। मैं सिर्फ स्कॉटलैंड व्यू पॉइंट नहीं बता रहा, मैं ये सेपरेटिस्ट इस्लामिस्ट कॉल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पार्टीशन तो तय है, ये डिकेड में हो सकता है, और उतना ही नहीं पूरे यूरोप में। इन्होंने भारत का पार्टीशन कराया था, उसका इनको प्रतिफल मिलने वाला है। हाँ, इनको वही थियोरी ऑफ कर्मा, तो लेट देम फेस इट। तो वही है, तो उनका कोई ईयू को कोई अब देयर इज नो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस लेफ्ट। और वैसे जिस तरह से ये यूक्रेन में भी जिस तरह से उनका पूरा डीवेपनाइजेशन हो रहा है, मतलब वेपन्स खत्म हो रहे हैं विदाउट रियल वॉर। पूरे यूरोपियन कंट्रीज एलाइज के वेपन्स स्टोरेज खत्म हो रहा है, ना ही एनर्जी भी कट ऑफ कर दी गई और एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स में बेची गई फ्रॉम यूएस, और इकोनॉमिकली भी खत्म, वेपन्स भी खत्म। तो पूरा एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया यूरोप का, करेंसीज भी खत्म कर दी गई, इकोनॉमी भी खत्म कर दी गई। तो मुझे इनका कोई जियोपॉलिटिकल वेट अब दिखाई नहीं देता, इनको जो करना है करें, जो भी स्टेटमेंट देने हो। बट आई थिंक फ्रांस क्योंकि वहां है तो वो बिल्कुल काउंटर करेगा अगर एंटी इंडिया कुछ नरेटिव चला तो। तो दैट इज एक्सपेक्टेड। अब कुछ मुझे शेयर करने हैं कुछ प्रेडिक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शंस के लिए ही यू नो पीपल। जी हाँ, दर्शकों आपको याद दिला दूं कि आज जो है हम देखेंगे कि जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो यही अपने प्रेडिक्शंस के लिए वो कैसे और कहां पर सही आ रहे हैं। जी, तो सबसे पहले ये 22 जून रशिया का स्टेटमेंट है, मैक्रोन वुड बी एन इनअप्रोप्रिएट गेस्ट एट द ब्रिक्स समिट। तो ये मैंने एक टॉक पे बताया था, 19 जून को ही बता दिया था कि उनको नहीं आने दिया जाएगा, बिकॉज वेस्ट को नया ऑर्डर जो है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे ब्रिक्स के नेशंस। दूसरा, ये जो पुतिन वाला कू वाला चला था, तो मैंने सुबह ही बता दिया था कि ये टाइम पास है, और इसका रीजन ये है कि संजय जी ये वही एक्सपर्ट्स हैं, ना सिर्फ मीडिया में, ये वही लोग हैं जो बता रहे थे कि रशिया कभी यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। ये सारे वही एक्सपर्ट्स हैं जो ये अफवाह फैला रहे थे कि पुतिन का कू हो जाएगा। अब जो ये कू होता है, ये ऐसे नहीं होता कि मैं 1000 किलोमीटर दूर हूं, कू करने निकला हूं, ये कोई पिकनिक नहीं है, राइट? तो ये मैंने सुबह ही बता दिया था, मेरे ख्याल से सबको ही, और ये वही लोग हैं, वही एक्सपर्ट्स हैं जो जिनपिंग के बारे में लास्ट ईयर बता रहे थे कि उसका कू होने वाला है। तो वो भी वही थियोरी थी कि हम रहे क्या थे, वो तो खबर ही आ गई थी, हो गया है। तो मैंने तभी भी बताया था कि कुछ नहीं होने वाला, और पुतिन का भी मैंने सुबह बता दिया था कि ये नहीं होने वाला, ये टाइम पास है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इस पर बहुत सारी बात हुई हमारी, 30 मार्च को चाइना ने मार्क्स को डिलीट कर दिया, लेनिन को डिलीट कर दिया, माओ को भी डिलीट कर दिया, खाली शी जिनपिंग थॉट बचा है इन द स्टेट गाइडलाइंस। क्यों? जो मैंने ये प्रेडिक्शन डाला था कि रशिया एंड चाइना विल शेड एंड पास कम्युनिज्म टू द वेस्ट,
गल्फ विल शेड एंड पास रेडिकलिज्म टू द वेस्ट। तो जब जब शी जिनपिंग की जो वो डील थी, जो मैं आपको बताता हूं कि 1962 का वॉर हुआ इसलिए था क्योंकि 1965 को उनको कल्चरल रेवोल्यूशन करना था कि सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस खत्म करो, क्योंकि चाइना का जो एम्बेसडर था यूएस का, उसने बताया था कि इंडिया रूल्स चाइना कल्चरली फॉर सेंचुरीज विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस। तो वो कल्चर को साफ करने के लिए, डीकल्चराइजेशन करने के लिए, सारी इंडिया इन्फ्लुएंस धार्मिक प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल्स को खत्म करने का जो डिसीजन हुआ 1962 की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में, उसमें डिसाइड हुआ कि लोगों का, चाइनीज लोगों का प्राइड बहुत है ये इंडियन धार्मिक प्रैक्टिसेस में। तो वो प्राइड को खत्म करने के लिए पहले 1962 का वॉर हुआ और फिर 1965 से ये कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जहां पे सारा रिलीजियस वाइपआउट कर दिया गया। तो अब जो शी जिनपिंग को समझ में आया कि हमको अब एक्सपोर्ट्स तो करना नहीं है बिकॉज वी आर वर्किंग गोइंग टू अ पेग्ड करेंसी वर्ल्ड, डीडॉलराइज करना है, ठीक है, क्योंकि शी जिनपिंग को समझ आया कि 40 इयर्स वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन के मैंने प्रॉफिट कमाया खाली 3 ट्रिलियन रिजर्व्स, ठीक है, और अमेरिका ने छाप दिए 14 ट्रिलियन इन जस्ट लास्ट 3 इयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमेरिकन फॉर फ्री, जाओ मजे करो। तो शी जिनपिंग ने जब ये मूड बनाया डी डॉलराइजेशन का, तो क्लियर हो गया कि अब वो एक्सपोर्ट्स नहीं करेगा डॉलर रेफरेंसिंग में टू द वेस्ट, अब सारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे रशिया और मिडिल ईस्ट में चाइना के, ठीक। तो उसी के चलते जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन, उसी के चलते अब वो वापस चाह रहे हैं कि धार्मिक प्रैक्टिसेस अब वापस शुरू हो। तो वो जो प्रेडिक्शन था मेरा वो सच हुआ कि दलाई लामा ने स्टेटमेंट दिया कि दे आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट विथ मी एंड आई एम रेडी। तो दलाई लामा जाते हैं नहीं जाते वो अलग बात है, बट द वेरी फैक्ट कि शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि वो फेस्टिवल्स, मंदिर्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस वापस शुरू हो, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो ये जो उन्होंने डिलीट कर दिया मार्क्स, लेनिन और माओ तीनों को, इसका रीजन ये है डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। ये मैंने प्रेडिक्ट किया था ये होने वाला है, ठीक है। तो स्टेट गाइडलाइन से पूरा हटा दिया और दो ही बंदे थे उनके प्रो एक्सपोर्ट्स, एक ली केचांग था और एक दूसरा वांग, दोनों को ये जो लास्ट ईयर 2022 की नेशनल कांग्रेस में से हटा दिया गया, क्योंकि ये दोनों यूएस के जो एक्सपोर्ट मॉडल है उसमें दे वर फेवरिंग, ठीक है, तो दोनों को हटा दिया गया। उसके बाद ये जो है फ्रांस का रायट्स वाला, ये तो प्रेडिक्ट मैंने अभी डिस्कशन में भी डाला कि एंजेला मर्कल और ओबामा दोनों ने मिलके सारे रेडिकल्स के लिए दरवाजा यूरोप का इसीलिए खोला था, बहाना इन्होंने ये दिया कि हमारे पास लेबर नहीं है। और संजय जी आप जानते हैं कि आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारा लेबर वर्क जो है, आपका तो ध्यान होगा ही, आई एम श्योर कि लैपटॉप रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, यू नो ऑल दोज लेबर एक्टिविटीज, आप जानते ही हैं कि स्पेसिफिक ये कम्युनिटी, क्योंकि उनका एडुकेशन जो क्लेरिक्स है कंप्लीट कभी होने नहीं देते, ठीक। तो यूरोप में भी यही बहाना ओबामा और एंजेला मर्कल ने निकाला कि हमारे पास लेबर नहीं है तो मिडिल ईस्ट से हम लेके आते हैं, ठीक है। इसी में ये सारे रेडिकल्स जो हैं हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मिडिल ईस्ट से यूरोप के अंदर घुस गए। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो ये तो वही सनातन इकोनॉमिक्स वाली बात मैं वापस करूंगा, क्योंकि आप जब वुमन को डिप्लॉय करते हैं एज अ टेम्पररी यूनिट ऑफ लेबर ड्यूरिंग फर्टाइल ईयर्स फॉर टेम्पररी GDP, तो आपकी बर्थ रेट्स पूरी फॉल हो जाती है। तो 1979 में जब कार्टर और डेन शियापिंग के बीच डील हुई कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे उसके बदले में हम आप अपना पूरा कंजम्पशन खत्म कर देंगे, तो डेन शियापिंग आते ही सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इम्पोज करते हैं। उसी के चलते जो मैं बताता हूँ कि बाई 2029 चाइना विल हैव अबाउट 40 मिलियन मैन विदाउट एनी वुमन टू मैरी, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्राइसिस उनकी इकोनॉमी में हो गया। तो सारी इकोनॉमीज जो ये वेस्टर्न टेम्पलेट फॉलो करते हैं जहां पे वुमन को डिप्लॉय किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ लेबर फॉर टेम्पररी GDP, वो सारी इकोनॉमीज की बर्थ रेट्स आज खत्म हो चुकी है। और आप जानते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो है
वो हमेशा ट्रांसफर होता है वाया फैमिली यूनिट, ठीक है? तो यूरोप के बर्थ रेट्स गए, यूएस के बर्थ रेट्स गए, रशिया के बर्थ रेट्स गए, चाइना और जापान के भी बर्थ रेट्स चले गए, ये वेस्टर्न टेम्पलेट इकोनॉमिक मॉडल के चलते, ठीक है, फॉर टेम्पररी जीडीपी। तो उसी में हम बताते हैं कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, वी आर सेइंग दैट द मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसका करेक्ट नर्चरिंग और करेक्ट बर्थ रेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो लाइफ साइकिल्स में मानते हैं। ये तो फैक्ट है कि वर्ल्ड का जो पूरा वेल्थ है वो जब ट्रांसफर होता है तो उसी को ट्रांसफर होगा जिसका रिप्रोडक्शन होगा, जिसके पास नंबर्स होंगे। आप चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर ले, मान लो आपने 40 करोड़ की प्रॉपर्टीज ले ली, संजय जी ने एक रिसोर्ट पूरा परचेज किया, चलो ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब आपके पास नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं उसको हैंडल करने के लिए या उसकी यू नो मेंटेनेंस के लिए, और कल को एक रेडिकल मॉब आके शाम को एक घंटे भी वहां बाहर खड़ा रहता है ना, तो वो 40 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा वो प्रॉपर्टी का वैल्यू, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि आप चाहे कितना भी वेल्थ इकट्ठा कर लें, ट्रांसफर जो होना है वेल्थ वो हमेशा उसी को होगा जिसका रिप्रोडक्शन होगा, जिसके पास बर्थ रेट्स होंगे, ठीक है? तो या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जाए, या तो वो वेल्थ इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर होगी, या तो छीन के ली जाएगी वो वेल्थ आउट ऑफ फिजिकल पावर, ठीक है? जाना तो उन्हीं के पास है जिनके पास बर्थ रेट्स है, जी पूरा वेल्थ ऑफ नेशंस ऑफ द एंटायर प्लैनेट, ये ऐसे ही ट्रांसफर होता है। तो उसी के चलते मैं बताता हूं कि ये वेस्टर्न टेम्पलेट वन लाइफ कंजम्पशन मॉडल जो है, जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस से निकला है, वो गलत है। और दूसरा जो ये लर्निंग भी जो आया हमें, जहां पे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कोविड भारत ने जिस तरह से वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट की कंट्रीज को, मोदी जी ने एक तरह से एडम स्मिथ कैपिटलिज्म और कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को खत्म कर दिया, मतलब इतना बड़ा झटका दिया है कि इंडियंस ने रिफ्यूज कर दिया कि हम डेड बॉडीज पे प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे। हम इतने सारे नेशंस की हमने लाइव्स बचाई है हमारे पॉकेट से, ठीक? तो उसी दिन हमने एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को नकार दिया कि इंडियंस जो हैं वो ये रास्ते पे नहीं जाएंगे, ठीक? तो उस सारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो वेस्ट के बने हैं, वेस्टर्न हेजिमोनी और कम्युनिस्ट स्टेट कंट्रोल, वो इसी प्रिंसिपल पे बने हैं कि किसी का नुकसान होगा तो ही मेरा फायदा होता है। तो सनातन इकोनॉमिक्स इसको नकारता है, वी रिजेक्ट दिस प्रिंसिपल। उसी के चलते मैं मानता हूं कि कोविड वैक्सीन जो भारत ने सप्लाई की उसमें वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को इतना बड़ा झटका लगा है, मुझे नहीं लगता वो कभी रिकवर कर पाएगा उस झटके से, ठीक? फिर ये जो प्रेडिक्शन मैंने डाला था कि अभी तक वर्ल्ड ने जो विटनेस किया है वो खाली वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर देखा है, जब कमोडिटीज वेपनाइज होगी तो पूरे वेस्ट में सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो चाइना ने जो है एक्सपोर्ट कर्ब्स डाल दी चिप मेकिंग मेटल्स पे, दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है सबसे ज्यादा चाइना के पास है, तो दो जो चिप मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्सपोर्ट चाइना करता है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटीज, क्योंकि आज तक खाली वर्ल्ड ने वही देखा है कि वेस्ट कैसे वेपनाइज करता है डॉलर को, ठीक है? तो ये चाइना वाला तो हुआ शुरू, उसके बाद रशिया वाला भी आया है बहुत जल्द। अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने डाला था कि अगर यूएस ट्रेजरी जो पूरा डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसके दो एलिमेंट है, एक है यूएस डॉलर, दूसरा है यूएस ट्रेजरी। यूएस ट्रेजरी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा फ्रॉम जनवरी 2022, ठीक है? तो अब क्योंकि हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी है तो डेट भी रेस करना पड़ेगा लोकल करेंसीज में, डॉलर में अब आप नहीं कर सकते, ठीक? तो उसी के रिप्लेसमेंट का मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में शुरू होगा ये नए बॉन्ड्स इश्यू होना। तो वही ब्रिक्स के जो सीएफओ है उन्होंने 5 जुलाई को डिक्लेयर किया कि एटलीस्ट 50% हमारे डेट्स अब लोकल करेंसीज में हम रेज करेंगे टू रिप्लेस द यूएस ट्रेजरी। ये वो वाला प्रेडिक्शन है। उसके बाद जो है ये जो 25-26 वाला रीसेट, जो मैंने ये 22 में लिखा था कि 60% कट ऑन द सैलरी लेवल्स इन यूएस, 40% कट इन द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, 35% कट इन सोशल बेनिफिट्स एंड 25% कट इन डिफेंस बजट,
तो बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पे हर जगह। तो ये लुक ग्रोमैन करके हैं, जो लास्ट ईयर तक, तो जब मैंने ये लिखा था तब हंस रहे थे। अब वो खुद लिखते हैं जुलाई 6 को, ये इस मंथ में, मार्केट्स विल बिगिन टू रियलाइज एंड देन डिस्काउंट दैट वेस्टर्न सोवरेंस कैन नॉट अफोर्ड देयर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंटाइटलमेंट्स एंड डिफेंस बजट। ये लास्ट ईयर तक डिनायल में थे, ये जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, अब वो खुद लिख रहे हैं। ठीक, सो लुक ग्रोमैन इज अ बिग नेम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। फिर ये देख लें आप युआन के, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं बताते हैं कि ब्रिक्स में अगर इंडिया ने ज्वाइन किया तो युआन बन जाएगी रिजर्व करेंसी, या चाइना का बड़ा डोमिनेंट रोल होगा। तो मैंने ये अप्रैल 5 को लिखा था कि क्योंकि अब डीडॉलराइज करना है तो एक्सपोर्ट्स जाने नहीं वाले वेस्ट में, और एक्सपोर्ट्स अगर वेस्ट में नहीं होना है तो वो पेंडिंग स्टॉक कौन कंज्यूम करेगा, तो चाइनीज पॉपुलेशन को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उसके चलते जो स्टिम्यूलस पैकेज डिक्लेयर करेगा चाइना, जो प्रिंट करेगा युआन, उसमें जो डीवैल्यूएशन होगा, उसके बाद सबका इंटरेस्ट निकल जाएगा युआन से, जो जो बातें कर रहे थे कि युआन बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसका न्यूज भी आ गया, अप्रैल में लिखा था मैंने, जुलाई में आ गया कि 14-ईयर लो पहुंच चुका है युआन ये प्रिंटिंग के बाद। ठीक है, तो ये वो प्रेडिक्शन है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि युआन कैन नॉट बी अ स्टेबल सेविंग्स करेंसी, राइट। फिर ये जो प्रेडिक्शन है, ये मैंने रिसर्च पेपर लिखा था इंडिया फाउंडेशन के लिए, कि बिम्स्टेक को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद आसियान एंड इंडो पैसिफिक। तो इसमें से चार चीजें, तो ये मैंने 2 मई का पेपर है 2022 का। ठीक है, तो ये 20 जुलाई में कॉमन पेमेंट्स उसमें से हो गया, फिर बांग्लादेश का सेपा टू सॉल्व द चिकन नेक प्रॉब्लम, फिर 3 फेब को ट्रेनिंग ऑफर टू द रॉयल कंबोडियन आर्मी। तो ये जो मैंने पूरा पेपर लिखा था इंडिया फाउंडेशन के लिए, उसमें से ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ती हैं कि हुई है। और ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया जुलाई में कि पूरा बॉर्डरलेस कर दो, ठीक है, बिम्स्टेक को फॉर टूरिज्म। तो इसमें से तो एक संजय जी बहुत क्लियर मुझे जो टारगेट दिखाई देता है कि मिथिला अयोध्या और लंका का कॉरिडोर, ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा मतलब ये डिकेड में हम सब देखेंगे, दूसरा जो है अयोध्या विल बिकम लाइक अ सेंट्रल नोड फॉर द मंडी इकोसिस्टम, और लाओस कंबोडिया से लेके सऊदी अरेबिया यूएई तक आपको एक एंड सीमलेस कनेक्टिविटी दिखेगी पूरे मंदिर इकोसिस्टम को कनेक्ट करते हुए। तो यू शुडेंट बी सरप्राइज, क्योंकि अभी 75 ईयर्स के बाद पहली बार जैन मुनि जो है वो पाकिस्तानी देरासर में जाके आए हैं, और शारदा पीठ और हिंगलाज माता मंदिर की भी बातें चल रही है। तो ये तो बहुत सादा सी बात, मैंने जो लास्ट ईयर लिखा था ये चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टैग करते हुए, कि मुझे तो यही स्टेबल कैश फ्लो दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए, कि आप इंडियंस को फ्री एंट्री और एग्जिट कर दो, मंदिर इकोसिस्टम को रिवाइव करो। तो ओवरऑल जब आप देखोगे पूरे डिकेड में हमें ये सब चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन उनके जिहादियों का क्या होगा? वो यहां से जो तो लोग जाएंगे उनको जिहादी परेशान करेंगे। घर वापसी होंगे, और क्या होगा उनका, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और क्या होना है। ठीक है, तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स जो है, अब्राहम अकॉर्ड्स रूट बताया गया है, ये मैंने 22 जुलाई 2022 को इसको प्रेडिक्ट किया था। ये यूएई से लेके यहाँ हाइफा पोर्ट तक, आप जानते हैं हाइफा प्रोजेक्ट अदानी जी को मिला है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा रूट है अब्राहम अकॉर्ड्स रूट। ठीक, तो इसी में जो मैंने जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन डाला है, बाय 2047 यूएई एज द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी एज द फर्स्ट ज्यूइश मेजोरिटी, एंड ईरान एज द फर्स्ट यू नो क्रिश्चियन मेजोरिटी। ठीक है, तो बहुत क्लियर है कि सऊदी अरेबिया शुड बिकम द मेल्टिंग पॉट वेयर इंडिया मीट्स इजराइल। ठीक है, तो ये इजराइल सऊदी अरेबिया लैंड ब्रिज इमर्जेस एज गेम चेंजिंग प्रोस्पेक्ट, ये 7 जुलाई का न्यूज है, कि इस प्रकार से कनेक्टिविटी बन रही है। और यहाँ पे जो नियोम प्रोजेक्ट जिसको बोला गया है लाइन वाला, इट्स वेरी एम्बिशियस, जो एक ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये अगर ये सब चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दलाई लामा वाला तो आ ही गया है, धर्म की वापसी वाला।
ये तो है, हाँ ये प्रेडिक्शन मैंने डाला था 2020 में, जब LSE स्टैंड ऑफ के तुरंत बाद, ये June 4, 2020, तो चाइना वांट्स दिल्ली टू टाइम पास इन नॉर्थ, आपने देखा ही कोई वॉर नहीं हुआ है LSE पे, वी वर वेस्टर्न अलायंस इन इंडियन ओशन SF साइन म्यूचुअल नेवी एक्सेस डील्स, तो ये हमने देखा 10 जुलाई को, राफेल वाला तो है ही फ्रांस के साथ और 3 सबमरीन, और US के साथ एक पूरा नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है इंडिया में, इंडियन ओशन के पास, जहां पे इंडो पैसिफिक और काउंटर करेगा चाइना को, दैट इज द टाइटल व्हिच द न्यूज़ पोर्टल हैज गिवन, तो 8 एंड 10 जुलाई 2023। इसके अलावा ये जो है, जो मैंने प्रेडिक्शन डाला था कि अब यूके के साथ FTA साइन करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन और विजय माल्या हमें चाहिए, ठीक है, तो उसी पे 10 जुलाई 2023 को न्यूज आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर हर विजिट में बताते हैं कि हर बार जब बात होती है तब बताते हैं कि हम ट्रेड पार्टनर्स और होम फॉर फ्यूजिटिव्स दोनों साथ में नहीं हो सकता, ठीक है, या तो आप, क्योंकि एक वेस्ट की आप संजय जी जानते हैं कि पूरी बहुत ही चीप सी एक जियोपॉलिटिक्स रही, जहां पे वर्ल्ड वाइड सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स वो वेस्ट में इकट्ठा करते हैं फॉर बार्गेनिंग चीप फॉर डिप्लोमेसी, ठीक है, तो उसी के चलते हम जो ये खालिस्तान भी देखते हैं, क्योंकि कोई जब आप कोई क्रिमिनल को एंट्री देते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो या कोई भी हो, खालिस्तानी हो, जब आप क्रिमिनल इंटेंट वाले बंदों को एंट्री देते हैं इन द नेम ऑफ असाइलम, तो आप जानते हैं कि उनके साथ उनकी आइडियोलॉजी भी साथ में अंदर आएगी, ठीक, तो बहुत क्लियर कंडीशन है कि अगर आपने FTA साइन करना है तो आप या तो आप हमारे ट्रेड पार्टनर बनो, ठीक है, जो अगर आपको FTA साइन करना है, और फिर उसके साथ हम हमारे क्रिमिनल्स वहां इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि संजय जी इनकी पॉलिटिक्स ये थी कि पहले क्रिमिनल्स इकट्ठा करो सब कंट्रीज के, फिर उस कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर कितनी खराब है उसके उसके आर्टिकल्स बना के छापो, ठीक, तो जब यहां से विजय माल्या और नीरव मोदी चले जाते हैं, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड छपवाता है आर्टिकल्स कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिस्टम कितनी वीक है, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर कितना वीक है, तो बहुत ही घटिया सा जो मेथड है ये, तो एक ये मैं तो आपको बताऊं अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी ये सामने मेरे चल रहा है कि इंडिया एंड UAE एग्री टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। ये तो बहुत ही नेचुरल सी चीज है, बिकॉज एनीवेज जो मैंने बताया कि डी रेडिकलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन साथ में ही चलना है, तो इंडिया का जो फोर्ट्रेस है गल्फ में वही UAE है, UAE इज द फोर्ट्रेस ऑफ इंडिया इन द गल्फ, वहीं से एक्सपांशन होना है सनातन का, या वो पूरे डी रेडिकलाइजेशन के लिए उस रीजियन के, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, UAE 95% उसकी जियोपॉलिटिक्स इंडिया के साथ मैच होके चलेगी, एंड इट हैज अ मैसिव जियोपॉलिटिकल कैपेबिलिटी टू टर्न थिंग्स, तो हमारे जो जयशंकर जी हैं और बिल्कुल वैसे वहां पे अनवर गर्गश करके हैं, जो दोनों मतलब दे आर स्क्रिप्टिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड इन अ वे, राइट। फिर ये जो प्रेडिक्शन है जो मैंने बताया कि डी डॉलराइजेशन के साथ डी कॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन चलेगा, क्योंकि ये ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल था जो यू नो जो पूरा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम क्लासरूम टू जॉब्स, तो उसी के चलते क्योंकि अब वो एंडलेस प्रिंटिंग बंद हो रही है, तो IT सेक्टर के उसको हिट लगेगी, उसके बाद बैंकिंग, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी आएगी तो बैंकिंग वाले कुछ जॉब्स जाएंगे, तो क्योंकि अब ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल जो है फॉर्मेट वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि क्यों 15 साल लोगों को चार दीवारी में कैद रखना है बच्चों को, कि उनको मार्केट रियलिटी बिल्कुल पता ना चले, और फिर जब कंप्लीट होता है ग्रेजुएशन या जो भी है तो उसको दूसरे दिन वो पार्टी देता है बेचारा, तीसरे दिन उसको पता ही नहीं है कि उसने उठना क्यों है तो ये जो पूरा एक मॉडल है वो कोलैप्स होने वाला है, तो उसी के चलते ये जो नया एडुकेशन फॉर्मेट है जहां पे बता रहे हैं कि 9 to 12 स्टैंडर्ड में सेमेस्टर सिस्टम होगा और पूरे 150 सब्जेक्ट्स होंगे, तो बच्चे को जो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है वो करेगा, तो ये मैंने 23 मई को ये प्रेडिक्शन डाला था कि स्टूडेंट खुद अपनी प्लेट में जो आइटम चाहिए सिलेक्ट करेगा, ठीक, तो ना सिर्फ ये, अगर आपने संजीव सान्याल का आर्टिकल पढ़ा हो तो उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि डिजिटल एजुकेशन से हम फ्री एजुकेशन एक्सेस करवा सकते हैं सबको,
और जिसको अगर फिजिकल क्लास वाला एटमॉस्फियर चाहिए, तो बहुत सारा हमारा एडुकेशन का जो रियल एस्टेट है उसका फुल यूज तब हो पाएगा जब उनको 3 मंथ्स का आप ऑप्शन दे सकते हो साल में, फिजिकल एडुकेशन वाला क्लासरूम मॉडल जिसको चाहिए, ठीक है। बाकी का बहुत सारा हम डिजिटल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पूरा, और संजय जी मुझे लगता है कि ये जो पूरी डीडॉलराइजेशन स्क्रिप्ट है उसी में ये सारा डीरेडिकलाइजेशन, डीमिशनराइजेशन, डीकोलोनाइजेशन ये सब चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जब स्टूडेंट्स वापस आए तब शायद सारी कंट्रीज को, स्पेशली इंडिया को, एक रियलाइजेशन आया कि एक एडमिशंस वाला पूरा माफिया चल रहा है सारी कंट्रीज में, ना सिर्फ इंडिया। जो जो ये ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट अडॉप्ट किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हर जगह एक माफिया बन चुका है, जहां पे एक लूट मची है। बेचारे पेरेंट्स फीस भर भर के फिर भी एडमिशन का पता नहीं, स्ट्रेस ले रहे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मेमोरी का क्या रोल है मार्केट में, जब इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल जाती है आपको, ठीक, तो क्यों उस बच्चे को 3 घंटे उसको क्या याद है वो टेस्ट करवाया जा रहा है, और उसी पे उसका फ्यूचर वैसे तय हो? क्यों कर भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं आपको बताऊं कि ये आपके आईआईटी में बिट्स में जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो क्लोज्ड बुक से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप पड़ गए चक्कर में कि साहब हम मेहनत बुक ले जाएंगे साथ में, गए आप काम से। करना पड़ता है ना उसमें, यू कैन नॉट क्रैम एंड जस्ट पुट इट देयर ऑन द पेपर। तो एक ये इसमें एक्चुअली ऐसा था संजय जी, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ, क्योंकि उसमें रिस्क टेकिंग होता है, इट्स अ मैस्कुलिन क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो पूरा एक जिसमें फेमिनाइज्म का एक पूरा वेव चला, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स डाल दिए गए जिनको मार्केट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, मार्केट में अर्न करने के साथ, ठीक, तो बच्चों को पता ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड 3 घंटे की क्लासरूम है, 3 घंटे का एग्जाम का असेसमेंट है मेमोरी बेस्ड, तो मेमोरी इज अ मोर ऑफ अ फेमिनाइन क्वालिटी, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि उसमें गर्ल स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगता उसपे। अच्छा, लेकिन उसको मार्केट के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इफ यू वांट टू अर्न इन द मार्केट एंटरप्राइजिंग, तो उसमें मेमोरी का कोई इतना रोल नहीं है, ठीक। तो एक ये आपको पूरा आपको मिसोजिनिस्ट बोल दिया जाएगा। नहीं, ये जो फैक्ट्स है, ये तो दिस इज नॉट समथिंग, दिस थिंग, ये तो क्लियर फैक्ट्स है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि मेमोरी इज मोर ऑफ अ फेमिनाइन कैरेक्टर क्वालिटी, और मैस्कुलाइन जो होता है दैट इज मोर ऑफ अ रिस्क टेकिंग, प्रैक्टिकल एंड आउट ऑन द ग्राउंड काइंड ऑफ। तो बहुत सारे हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रॉपर्टीज है उसका अब सच में स्पोर्ट्स या स्टार्टअप्स ये सब ट्रायल्स में अब रियल यूज हो सकता है, अगर हम डिजिटाइजेशन कर दे एडुकेशन फॉर्मेट का, और फिजिकल वाला जिसको चाहिए वो क्लासरूम फॉर्मेट का 3 मंथ्स ईयर वाला ऑप्शन दे दें, ठीक है। एक एटलीस्ट पेरेंट्स का एक टेंशन एडमिशन वाला निकल जाए उनके दिमाग से कि भाई ये, और फिर जब भी कोई बंदा बिजनेस आइडिया लेके आता है तो पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं कि तू पहले अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। तो मुझे संजय जी आप समझाएं कि कोई बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो आप किस हक से उसको इलिटरेट बोलोगे? आपका क्या हक बनता है कि आप उसको देखिए, ये इलिटरेट सब बोलो? लिटरेसी लिटरेसी क्वालिफिकेशन एजुकेशन नॉलेज और विजडम, ये पांचों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जी। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो एजुकेशन का लिटरेसी से कोई रिलेशन नहीं है। जी थोड़ा बहुत बिल्कुल, हो सकता है कि हाँ ठीक है, देर इज अ चांस कि विद हाई क्वालिफिकेशन यू कुड बिकम एजुकेटेड, लेकिन जो आजकल की एविडेंस आ रही है उसमें तो उल्टा ही दिख रहा है। तो मेरा मेरा ये मानना है संजय जी कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप जाओ उस बिजनेसमैन के पास, आपको जो स्किल्स एसेस करने हैं वो स्किल्स उसके एड्रेस पे आप एसेस करो, और उसको ऑन द स्पॉट डिग्री दो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेट,
कि आप प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को, बच्चा रिस्क ही नहीं लेगा जब उसके पेरेंट्स इनसिक्योर्ड है, सोच रहे हैं कि बिना डिग्री के नहीं चलेगा। तो जब ये सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी आ जाएगी कि चलो अगर उसका बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो भी उसको डिग्री तो मिलने वाली है, तो ये मुझे लगता है स्टेट को इसमें आगे आना चाहिए कि हम बिजनेसमैन के स्किल्स एसेस करेंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे उनके वेन्यू पे जाके, कि अगर वो इतने साल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो सोसाइटी का क्या हक बनता है उनको इलिटरेट बोलने का। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि वी नीड सम पॉलिसी इंसेंटिव्स के बच्चों को वापस एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेके जाएं, वरना एक पूरा फेमिनाइजेशन ऑफ मैन का प्रोसेस चल रहा है इधर 15 साल क्लासरूम में। मैं तो इसको यही बोलूंगा, फेमिनाइजेशन ऑफ मैन, क्योंकि उसका रिस्क टेकिंग खत्म हो चुका है। अब उसको 15 साल ये ब्रिटिश क्लासरूम में बिठा के, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स का ये प्लान था ही नहीं एडुकेशन फॉर्मेट का, उनका प्लान ये था कि सब उनके सबसर्वियंट हो, उनको स्लेव बनाने के थे उस फैक्ट्रीज के लिए, और क्वेश्चन ना करे ब्रिटिशर्स के रूल को। ये तो अनफॉर्चुनेटली एडुकेशन सिस्टम बन गया वर्ल्ड का। तो आई एम नॉट सरप्राइज संजय जी, ये जो डीडॉलराइजेशन का वेव चलेगा उसमें बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के, क्योंकि वो सारे प्रिंटिंग मशीन से क्रिएट किए हुए जॉब्स वो जाएंगे, उसके साथ सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा हिट लगने वाला है, बैंकिंग वाले कुछ फ्रंट डेस्क वाले जॉब्स जाएंगे, तो फिर आप सर्विसेज में जो हिट लगेगी सर्विस सेक्टर में, जो फियाट डॉलर के बर्थ के साथ सर्विस सेक्टर का जन्म हुआ था, तो आप कहां से जस्टिफाई करोगे 15 साल क्लासरूम में फिट करने को बच्चों को? हाउ विल यू जस्टिफाई व्हेन देयर आर नो दैट मेनी नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट? मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। ठीक, तो वो कॉलेजेस आप वहां भी तो बंद होगी, खाली यहाँ थोड़ी होगी, हर जगह वो एजुकेशन सेक्टर पे हिट लगेगी जब वो जॉब्स ही नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जहां पे स्किल्स बेस्ड लर्निंग अब आएगा, कोई भी अगर आप मतलब ये डिकेड के बाद, तो मुझे लगता है कि कोई भी सर्टिफिकेट से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 10 साल का सिक्योर्ड एसी वाली ऑफिस में जाके आप बैठ जाओगे और 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट, मुझे तो बड़ा डाउटफुल लग रहा है। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि इवन जॉब फॉर्मेट में चेंजेस ऐसे आएंगे कि आपको एक पार्टनरशिप या एजेंसी वाला फॉर्मूला बन जाएगा उसके अंदर भी पेमेंट्स के साथ, तो ये तो अब जो फियाट डॉलर वाला वर्ल्ड था जहां पे आप सीधा जाके डेस्क पे बैठ जाते थे और 10-15 साल यू वर सिक्योर्ड के ऐसे मिली जाएगी अमाउंट, मुझे तो ये बड़ा डाउटफुल अब आगे जाते लगता है। और क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि स्किल्स बेस्ड लर्निंग इज द वे फॉरवर्ड। और जो नया एडुकेशन फॉर्मेट है, मुझे बहुत ही पसंद आया कि 150 सब्जेक्ट्स आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? किसी को म्यूजिक के साथ कुछ एक्टिंग करना है ये वो, किसी को 1 साल स्टार्टअप ट्राई करना है, तो आप उसका एडमिशन नहीं कैंसिल होना चाहिए उस बच्चे का, क्यों कैंसिल करोगे आप? ठीक, तो ये पूरा एक बड़ा चेंज पूरे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि ये 300 साल का चेंज है। और सिर्फ ना सिर्फ ये एडुकेशन सेक्टर में आ रहा है संजय जी, मैं आपको बताऊं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पाउंड एज द सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था वो सबसे बड़ा चंक था जो कॉन्कर करना था। ठीक है, तो जब वो सूरत आए थे, जहां पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया, और वहां से एंटरप्रेन्योर्स को मुंबई लेके गए, और फिर वो जो ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी जो मैं बता रहा हूँ, कि ये सारी सिटीज मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, ये आर्टिफिशियली प्रॉपअप की गई फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप तोड़ के, वो जनरेशन जो अपना फैमिली कॉर्पस तोड़ के गांव से ये सिटीज में लाई गई, इनको बोला गया कि आप अपने फैमिली से हक मांगो, प्राइवेसी, इंडिविजुअलिज्म, फेमिनिज्म, ये सब करके, और सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी चालू रखने के लिए वो सारे सेक्टर्स तबाह कर दिए गए, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज में, खाली इंडिया की नहीं बात कर रहा मैं, तो ये सारी फियाट डॉलर सिटीज जो आज एनआरआई की रेमिटेंसेस और आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स और
जो एक पूरा टेक सेक्टर जो क्रिएट किया गया विद द फियाट डॉलर, कि हम तो आपको वो डायरेक्ट यूएस वाले लेवल की या उससे थोड़ा कम वाले लेवल की सैलरीज देंगे, तो पूरा टैलेंट खींच लिया गया बाकी सारे सेक्टर्स से बदमाशी करके टेक सेक्टर में, और टेक सेक्टर में भी कूली जॉब दिया गया उन्हें, ठीक है, वो भी कोई हार्डकोर मेंटल लेवल। थोड़ा वाइंड अप करें जल्दी क्योंकि टाइम एक घंटे लगभग होने वाला है। इसका मैं ये समझा रहा हूँ कि इसका जो रिवर्सल हो रहा है उसमें अब ये सारी फियाट डॉलर वाली सिटीज डाइल्यूट होंगी, तो कैलिफोर्निया डाइल्यूट होगा, शिकागो डाइल्यूट होगा, न्यूयॉर्क डाइल्यूट होगा, बिल्कुल वैसे फियाट डॉलर सिटीज वर्ल्ड वाइड डाइल्यूट होंगी। तो जैसे जो मुंबई की अपर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिलीज है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर उनका रेजिडेंशियल बेस चेंज होता है बैक टू सूरत एंड दुबई एज एन ऑप्शनल बेस, हेडक्वार्टर्स वापस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वही अहमदाबाद, क्योंकि मुंबई जो क्रिएट हुआ था वही गुज्जू बिजनेसमैन की वजह से, तो हेडक्वार्टर्स भी शिफ्ट होंगे, स्टॉक मार्केट तो गिफ्ट सिटी में आ ही रहा है। बिल्कुल वैसे कैलिफोर्निया में से हॉलीवुड वाले खाली करके जाएंगे, तो बॉलीवुड वाले भी इन दिस डिकेड खाली करके, हो सकता है नोएडा जहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर वाला, वहां पे शिफ्ट होंगे। तो ये डीकोलोनाइजेशन तो वर्ल्ड वाइड होगा और वो सारी फियाट डॉलर सिटीज डाइल्यूट। इसको हम समअप करके ये कह सकते हैं कि ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है इसका एक स्वाभाविक परिणाम डी रेडिकलाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन होने वाला है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने बहुत अपने प्रेडिक्शंस के साथ साथ हमारे दर्शकों को पूरा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक होराइजन आपने सबके सामने रखा, और वो ओवरऑल होराइजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।